नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। सिद्धार्थनगर पहुंचे पीएम मोदी, थोड़ी देर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन, श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। एलएसी पर तनाव के बीच आज से 4 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सीमाओं की सुरक्षा पर होगा मंथन। पिछले 24 घंटे में कोरोना मामले 15,000 से कम, मौत का आंकड़ा 400 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में त्योहारी मौसम की शुरुआत के बाद बड़े कोरोना के मामले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की करी अपील। सिंगापुर ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी, 26 अक्टूबर से यात्रा कर सकेंगे भारत के लोग। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगान शरणार्थियों पर की फायरिंग। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के बंद होने से करीब 50,000 छोटे और मध्यम व्यापारियों की नौकरी गई। केंद्र सरकार दिसंबर में दे सकती है शानदार कमाई का मौका, मिल सकता है एफडी से ज्यादा रिटर्न। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की पहली हार, 10 विकेट से मिली शिकस्त। आश्रम 3 के सेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रकाश झा पर फेंकी गई स्याही। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।